अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन्नल हमदलिल्लाह वहदहू ला शरीक लह वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल मखलूकात मुहम्मद इब्न अब्दुल्लाह व अला आलिही व सहबिही ومن والاه الى يوم الدين اما بعد। مشاہدین کرام, خواتین ملت, عزیز بچوں اور بچیوں, آج کے اس پروگرام میں سورہ انعام کی آیت نمبر 151 से लेकर के 153 तक अल्लाह ताला के कुछ पैगामात आप अहबाब तक पहुंचाना चाहता हूं। उम्मीद की आप तमाम हजरात सामईन और सामियात बग़ौर समाअत फरमाएंगे और हुक्म इलाही के मुताबिक अमल करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह ताला हम सबों को हुक्म रब्बानी के मुताबिक ज़िंदगियां गुजारने की तौफीक अता फरमाए और कबूल फरमाए, आमीन। सूरह अनआम की आयत नंबर 151, 152, 153 के अंदर अल्लाह ताला ने अपने प्यारे हबीब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातब करके चंद नसीहतें की हैं। चुनाचे अल्लाह ताला ने फरमाया, ए मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कह दीजिए, आओ मैं तुम्हें वह चीज़ पढ़कर सुनाऊं जो तुम्हारे रब ने तुम पर हराम की हैं। कितनी अहम तरीन आयत मुबारका है। इस आयत के अंदर चंद मुहर्रमात को अल्लाह ताला ने जिक्र फरमाया है जो बतौर ख़ास मुखातब किया है अपने प्यारे हबीब को, लेकिन इसके मुखातब क़यामत तक आने वाले तमाम जुमला मर्द व ज़न होंगे। अल्लाह ताला ने इन तीन आयात के अंदर क्या क्या हराम किया है, मैं तफसील में ना जाते हुए सिर्फ खुलासा बयान करूंगा कि सूरह अनआम की आयत नंबर 151 के अंदर, 152 के अंदर, 153 के अंदर अल्लाह ताला ने क्या क्या हराम किया है। और आप जानते हैं कि हराम कामों का इर्तिकाब बाइते अजाब, तबाही और बर्बादी है। चुनाचे पहली वो चीज़ जिसे अल्लाह ताला ने इन आयात के अंदर हराम करार दिया है वो ये है कि तुम उसके साथ किसी भी चीज़ को शरीक साझेदार ना ठहराओ। ये पहली इन आयात में पहली हराम करदा चीज़ है और वो है शिर्क। जबकि शिर्क पर मरने वाला हमेशा हमेशा जहन्नम के अंदर झोंक दिया जाएगा। हराम सारे अकायद और अमाल में से सबसे हराम चीज़, सबसे बड़ा हराम वो शिर्क है। तो मुसलमानों याद रखो, अल्लाह ताला ने साथ
शरीक और साझीदार न करो। दूसरी, इन आयात में हराम करदा चीज कि अपने वालदेन के साथ बदसलूकी मत करो। चुनाचे अल्लाह ताला ने इसमें हुक्म दिया अपने हुस्ने बर्ताव और हुस्ने उनका मकाम, उनकी हैसियत रब्बे दो जहां के हां, कि पहली फुर्सत में अल्लाह ताला ने अपने साथ किसी भी चीज को सिर से रोका और फिर उसके बाद तुम्हें भी और उनको भी रिस्क हम ही देते हैं। अल्लाह ताला ने इन आयतों में से एक आयत के एक टुकड़े में क्या मना किया कि गुर्बत के डर से, फकर फाका के डर से, तंग दस्ती के डर से और पोशीदगी तुम उनके करीब भी ना फटको, बेहयाई के काम, औरियानियत के काम, फहाशी के काम, जो भी चीज है चाहे वो देखने में फहाश आइन में हो या बातिन में हो, खुल्लम खुल्ला हो, कत्ल करना अल्लाह ताला ने हराम ठहराया है, मना किया है, नाजायज किया है, उसे कत्ल ना करो। यानी अल्लाह ताला ने जिनके कत्ल को हराम के माल के दी ना जाओ, यानी यतीमों के माल को, उनके धन और जायदाद को हराम और नाजायज से, जालिमाना अंदाज से उसके करीब भी ना फटको, करीब भी ना जाओ। हाँ, ऐसे तरीके जो इंतहाई बेहतरीन और पसंदीदा हो, जब भी तौलो पूरा तौलो, जब भी नापो पूरा तौलो, कभी भी नाप तौल में कमी ना करो। हम किसी उसकी ताकत से बढ़कर मुकल्लफ नहीं करते। जब बात करो इंसाफ की कहो, हक की कहो, जायज की कहो, दुरुस्त की कहो, चाहे मुआमला अपने रिश्तेदार ही का हो। अल्लाह ताला से जो एग्रीमेंट है, जो अहद है, अहद पैमान है, उसे पूरा करो और अल्लाह ताला ने तुम्हें इन बातों की वसीयत हिदायत की है ताकि तुम जाओ, ताकि तुम कामयाब रहा है। उसी अल्लाह